चौथ के बारे में, तो आप बताओ सर दस ऊपरी और चौथ क्या होता है? सर ये टैक्सेस से जो आउटसाइड होंगे इनकम से ये जाओ तो प्रोडक्शन बनी है, तो प्रोडक्शन बनी है इसी के लिए। अच्छा अश प्रधान के बारे में क्या सब है? अश प्रधान क्या सिस्टम है? सर ये तो उसमें मिस्त्री और मेंटेनेंस वाले उसमें आपके जैसे केशवा सी होगा और सेवापति मिली मंडल हो गया, न्यायाधीश दस तीस से भी डिपार्टमेंट हो गया और सचिव हो गया सर पेशवा क्या होता है? पेशवा सी एम का। अच्छा बालाजी विश्वनाथ का टाइम पीरियड क्या है? बालाजी विश्वनाथ का टाइम पीरियड जब थर्ड पैकर ऑफ पानीपत किसके वक्त हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कॉरोनेशन कहाँ हुआ था? ठीक है बच्चे, ट्रीटी ऑफ पुरंदर कब साइन हुई थी? 65, राइट। हमने जो है मुगलों का लेटर मुगल वाले के बारे में लिखा है थोड़ा बहुत, उस पर दो चार पाँच पॉइंट लिखना है। और जो मराठाज हैं मराठा पे थोड़ा सा हमने कल आपको लिस्ट दे दिया, उस पर भी लिखना है। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे इंडिपेंडेंट रूल ऑफ बंगाल जो औरंगजेब के वक्त औरंगजेब के समय में आपका फाउंडेशन हुआ था, राइट है। मराठाज में शिवाजी पर तो मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। शिवाजी के बाद किसका मैंने लिखवाया था? संभाजी है ना, संभाजी लिखो, संभाजी में दो चार लाइन लिखो बच्चे, संभाजी। संभाजी एंड कवि कलश, संभाजी एंड कवि कलश जो उसका एक मंत्री था, संभाजी एंड कवि कलश वॉज किल्ड बाय औरंगजेब, किल्ड बाय औरंगजेब इन 1689 बैटल ऑफ संगमेश्वर, SANGMESWR संगमेश्वर की लड़ाई में कवि कलश और संभाजी को मार दिया गया, राइट है। संभाजी को जो मारा गया, इससे महाराष्ट्र जो समाज है वह जागृत हो गया। उसको लगा कि अब मुगलों के खिलाफ हमें लड़ने का समय आ गया। बेसिकली संभाजी और औरंगजेब ने अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश किए, ठीक है। हालांकि शिवाजी के वक्त कभी नहीं रहा, लेकिन संभाजी ने कोशिश करा, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। संभाजी को और कवि कलश को मार दिया गया। अब मराठा साम्राज्य जो है बिल्कुल जागृत हो चुका था। अब मराठा साम्राज्य को यूनाइट करने की जिम्मेदारी थी राजा राम, मैंने कल लिखवाया होगा राजा राम 1689 से 1700 तक, राइट है। राजा राम सेम 89 से 1700 तक। देखो संभाजी की जो वाइफ थी यूसुफ बाई, कुछ समय तक लड़ाई किया उन्होंने मुगलों का, लेकिन मुगल के सामने वो टिक नहीं सके। अब राजा राम, नाउ राजा राम बिकम द रूलर फ्रॉम 1689 एंड 1707 मराठा स्वतंत्रता आंदोलन बोलते हैं इसको, मराठा इंडिपेंडेंस वॉर 1689 टिल 1707 इट्स ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम साहू जो है आपका 1707 से 49 तक साहू जो है बिकम द रूलर ऑफ मराठा एम्पायर। राजा राम साहू जो है आपका क्या बना? मराठा का हेड बना। लेकिन देखो
साहू को औरंगजेब ने कब्जे में रखा हुआ था, उसका पुत्र आजम शाह। अब साहू को छोड़ दिया गया है, लेकिन मराठा में खुद ही लड़ाई हो रहा है, क्योंकि मराठा में जो शिवाजी का सेकंड बेटा है ताराबाई ने उसको रूलर बना दिया है और साहू आ गया। तो आपस में जो है लड़ाई हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, राइट। ताराबाई एक प्लेयर है मराठास में, जो चाहती है कि साहू रूलर नहीं बने, ठीक है। तो एक छोटी मोटी लड़ाई होती है 1707, लिखो, इन 1707 नियर भीमा नदी का नाम है भीमा रिवर, अ फाइट ब्रेक आउट। ताराबाई वॉज डिफिटेड एंड फाइनली साहू बिकम रूलर। उन लोगों में आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बना कि जो है महाराष्ट्र में साहू रहेगा, साउथ में कोई और रहेगा, कोल्हापुर में कोई और रहेगा, इस तरह से यह सिस्टम चलता रहा। लिखिए 1749 साहू हैज बीन डाइड। राइट, 49 आफ्टर 49 द ऑल पावर वॉज सेंट्रलाइज। 49 डेथ के बाद ऑल पावर वॉज सेंट्रलाइज, और पेशवा जो मंत्री होता था उसने पावर को एक्सरसाइज किया। लिखिए बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20 बालाजी विश्वनाथ को हम सेकेंड फाउंडर 1713 से 20 बालाजी विश्वनाथ वॉज द फाउंडर, सेकेंड फाउंडर ऑफ मराठाज एम्पायर। जी अब देखो, इस समय मुगलों के भी रूलर कमजोर पड़ गए। आपने देखा होगा जहादर शाह, बड़े सारे ऐसे रूलर्स बन गए। तो इन लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बन गई, एग्रीमेंट बन गया। अब मराठा में जो बालाजी विश्वनाथ है, उन्होंने मराठा संघ को फाउंडेशन किया। लिखिए एक ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। बालाजी विश्वनाथ हैज़ फाउंडेड मराठा संघ, मराठा संघ या मराठा स्टेट फेडरेशन। नाउ आफ्टर डेथ ऑफ बालाजी विश्वनाथ बाजीराव फर्स्ट जो कि उसका बेटा है, बिकम द पेशवा और रूलर ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का, मराठा का रूलर बना बाजीराव फर्स्ट। टाइम पीरियड है 1720 से 40। हिंदुओं को 20 से 40, 1720 से 40। हिंदुओं को उसने यूनाइटेड किया, हिंदुओं को प्रोटेक्शन करने का जो है उन्होंने कहा कि हम प्रोटेक्ट करें, और कहा कि अब समय आ गया है कि भारत से विदेशियों को बाहर निकाला जाए। भारत से विदेशियों को बाहर निकालने का उन्होंने प्रयास किया, और दे कैंपेन आप लिखिए फॉर यूनिफिकेशन ऑफ हिंदू रूलर। हिंदू पदशाही
ही फॉर्म हिंदू पद पदशाही, पद पदशाही, पी ए डी पद हाइफन दे देना, पदशाही अब्लिक बादशाही, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू, बाजीराव फर्स्ट। हाँ, अब देखो साउथ में जो निजामुल के हैदराबाद के जो रूलर्स हैं उससे भी मराठा को चैलेंज मिल रहा था, राइट। निज़ाम के साथ जो हैदराबाद के रूलर है उसके साथ लड़ाई होता है, लिखिए बाजीराव हैज डिफीटेड निज़ाम 1728, 1728, बाजीराव हैज डिफीटेड निज़ाम 1728, बैटल ऑफ पालखेड़ा, बैटल ऑफ पालखेड़ा, पालखेड़ा की लड़ाई में वो जीते हैं, पालखेड़ा की लड़ाई में उन्होंने उसको हरा दिया, ठीक है। एंड मराठा हैज क्लिंच, छीन लिया 6 प्रोविंस फ्रॉम मुगल्स, क्लिंच 6 प्रोविंस फ्रॉम मुगल, अकॉर्डिंग टू 1738, अकॉर्डिंग टू 1738 दुराय सराय ट्रीटी, DURAI, दुराय सराय ट्रीटी वॉज साइन विथ मुगल रूलर मोहम्मद शाह रंगीला, दुराय सराय ट्रीटी वॉज साइन मोहम्मद शाह रंगीला, ऑब्लिक दे दो निज़ाम, निज़ाम भी मोहम्मद शाह रंगीला निज़ाम, अकॉर्डिंग टू दैट बाजीराव फर्स्ट विल एक्वायर, बाजीराव फर्स्ट जो है एक्वायर करेगा इंटायर लैंड ऑफ मालवा, फर्स्ट विल एक्वायर इंटायर लैंड ऑफ मालवा एंड लैंड बिटवीन चंबल एंड नर्मदा, लैंड बिटवीन चंबल एंड नर्मदा, हाँ देखो इसका एम्पायर काफ़ी फेमस था, बाजीराव ने अपनी एम्पायर को बहुत आगे बढ़ाया, मुगलों के बारे में वो मानते थे कि मुगल के ऊपर अटैक करने का टाइम आ गया, वो एक पेड़ है जिसको हमें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, ठीक है। और जो मराठा एम्पायर है उसको वो बहुत आगे ले गए, और पुर्तगीज भी उस समय आ चुका था भारत में, ब्रिटिशर भी आ चुके हैं, तो पुर्तगीजों की कुछ बस्तियों को, इनक्लेव को उसने छीन लिया। इन द मीन टाइम बाजीराव फर्स्ट का एक महिला के साथ जो है अफेयर है, लिखिए बाजीराव फर्स्ट बिकम फेमस ऑल्सो फॉर हिज लव अफेयर विथ मुस्लिम लेडी, एक मुस्लिम महिला जिसका नाम मस्तानी है उसके साथ प्रेम संबंध के कारण भी वो चर्चित रहे। ही हैज़ अ लव अफेयर विद द मुस्लिम वुमेन और गर्ल, जो भी है ही वॉज अ फेमस, राइट। उसके साथ भी इनका जो है लव अफेयर का कहानी चल रहा था। नाउ आफ्टर शिवाजी, आफ्टर शिवाजी He has used guerrilla warfare technique. He considered as a first emperor builder. Bajirao first को जो है first emperor builder माना जाता है।
और वह नेचुरल मौत होती है उसकी 1740, वो मारे जाते हैं। नाउ 1740 लिखिए, बालाजी बाजीराव 40 से लेके 61, बालाजी बाजीराव 40 से लेकर के 61, यानी 1740 से 61, बाजीराव आफ्टर द डेथ ऑफ बाजीराव हिज सन 18 ईयर बालाजी, जिसका नाम है बालाजी बाजीराव, सब बालाजी ही थे, बालाजी बाजीराव, क्या नाम है बेटे का भी नाम बालाजी बाजीराव है, बाजीराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव, एग्जाम में सीक्वेंस भी कभी पूछा है तो बाजीराव बालाजी देख के कंफ्यूज नहीं होना है, बाजीराव फर्स्ट का बेटा है बालाजी बाजीराव, जिसका निकनेम है नाना साहेब, नाना साहेब जो पेशवा बना, रूलर बना और अपने बाप की इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी को आगे ले गया, ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर, एक्सपेंडेड हिज एम्पायर। 1752 में क्या हुआ कि मराठा पूरे फॉर्म में है और मुगलों को पपेट बना लिया, उस समय मोहम्मद शाह रंगीला ऐसे तुच्छे किस्म के मुगल थे, इनको उन्होंने अपने हाथों का पपेट बना लिया, राइट। अब इसी के बाद 1752 के बाद ही आप देखोगे पलासी वगैरह की लड़ाई है, तो मराठा जो है उस समय काफी स्ट्रांग हो गए थे, राइट है। अब देखो मराठा में और ब्रिटिशर्स में थोड़ा लड़ाई हो रहा है, लेकिन मराठा का एक ऑफिसर था जिसको बंगाल में मुर्शिद कौली खान ने मरवा दिया था, चौथ मांगने के लिए वहाँ पे गए तो उसको धोखे से मार दिया गया, और उससे क्रुद्ध होकर के इन लोगों ने उसके ऊपर अटैक किया और एक एग्रीमेंट के तहत मराठा को कुछ पैसा 12 लाख रुपए एनुअल देने के लिए वो आपका मंजूर हुआ। इन शॉर्ट मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मराठा अपने पीक पर 1750 में थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1752 में अफगानिस्तान का एक लूटर अहमद साहब दाली की नज़र भारत पे पड़ी कि यहाँ बहुत पैसा है, धन दौलत है, लूट लेते हैं, राइट है। तो अहमद साहब दाली भारत में अटैक कर रहे हैं और यहाँ पे मुग़लों में और मराठा में दोस्ती हो गया, क्यों, क्योंकि अहमद साहब दाली से बचाना है, देश को अहमद साहब दाली जैसे लूटर से बचाना है, इसीलिए मराठा अफगानिस्तान जहाँ से बाबर वगैरह आए थे। तो मुग़लों में और मराठा में दोस्ती हो जाता है, ठीक है, अब दोनों आपस में एक साथ हो जाते हैं, साथ में राजपूत को भी लेके पहुँचते हैं, अब धीरे धीरे मुग़ल एम्पायर भी एंड होने लगता है और मराठा का भी पावर डाउन हो जाता है। लिखिए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जनवरी 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में लड़ाई हुआ, 61 अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में लड़ाई हुआ जिसमें मराठा पूरी तरह से हार गया, बुरी तरह से हारा है, मराठा वॉज डिफीटेड बैडली। उस समय जो नाम था उसका, जो उसका जो सेनापति कमांडर विश्वास राव और सदाशिव राव भाऊ दो था, विश्वास राव सदाशिव राव भाऊ, मराठा का एक जो है कमांडर था, इसका नाम था इब्राहिम खां गार्दी, इब्राहिम खां गार्दी जो यूरोपियन स्टाइल से लड़ाई करता था, मराठा की आपस की लड़ाई की वजह से राजपुताना
अवध, पंजाब और जाटों से कोई सहायता नहीं मिला। मैंने कहा इब्राहिम खान गार्दी उसका कमांडर था अहमद साहब दाली का। मैं यहाँ पर यह कह रहा हूँ मराठा की हार की वजह मराठा खुद भी थे, क्योंकि उसमें यूनिटी नहीं था, आपस में लड़ाइयाँ करते थे, जिस वजह से राजपूत ने सपोर्ट नहीं किया, जाटों ने सपोर्ट नहीं किया, अवध और पंजाब के सपोर्ट नहीं किया। अब्दाली के पास सिर्फ 60,000 सेना था, इसके पास 45,000 की सेना थी। अब्दाली के सेना में कितना था? 60,000, राइट। और उसमें ज़्यादातर भारतीय भी थे। अब्दाली ने गेम किया, भारत के लोगों को भी इंक्लूड कर दिया जो इसके खिलाफ थे, और मराठा में 45,000 था। लेकिन धीरे धीरे जो लड़ाई हुई इसमें हम देखते हैं कि जो मराठा की जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी भी बहुत अच्छा नहीं रहा, और जिस वजह से मराठा के बड़े सारे कमांडर मारे गए, विश्वासराव, सदाशिव भाऊ सारे मारे गए, और बहुत ज़्यादा उनको जो है क्या मिला, नुकसान मिला। और पेशवा था उस समय बालाजी बाजीराव, वो अपने कोर्ट में बैठा था, उसको ये न्यूज़ मिला और वो शॉक्ड हो गया और उसका जो है सारा एम्पायर छोड़ के भाग गया। कुछ ही दिनों के बाद उसकी मौत हो गई इस शॉक की वजह से, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि मराठा एम्पायर बुरी तरह से हार जाते हैं। मराठा क्यों फेल हुआ, लिखो व्हाई मराठा बिकम फेलियर। फर्स्ट, मराठा वॉज नॉट एक्सपर्टाइज इन कन्वेंशनल प्लेन वॉर टेक्निक। कन्वेंशनल प्लेन मैदान में लड़ाई से वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं थे। मराठा वॉज नॉट एक्सपर्टाइज इन प्लेन वॉर, मैदान में वो ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं था, ज़्यादातर वो गोरिल्ला वॉर करते थे। सेकेंड पॉइंट, देर वॉज शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस बिकॉज टैक्स सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड। शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस बिकॉज टैक्स सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड। देखिए चौथ और सरदेशमुखी एक टेम्पररी टैक्स था। नाउ इन द बैटल फील्ड थर्ड आर्मी वॉज डिवाइडेड, इन बैटल फील्ड आर्मी वॉज डिवाइडेड डिवाइडेड कोकन एरिया वॉज नॉट फर्टाइल, कोकन एरिया वॉज नॉट फर्टाइल। कोंकण, कोंकण का जो हमारा साउथ महाराष्ट्र वॉज नॉट फर्टाइल, जो बैरन लैंड था जिससे भी उसको लॉस हुआ। नाउ आफ्टर दैट कौन सा रूलर बना, लिखो 1761 से 72 नारायण फर्स्ट। क्या नाम था उसका? नारायण फर्स्ट। 1761 से 72 नारायण फर्स्ट। पैरा चेंज करो, अब इसके बाद क्या होता कि मराठा और कमजोर हो गया, लेकिन मुगल उससे ज्यादा कमजोर है, मराठा उसको पेंशन देने लगे। नेक्स्ट लिखो नारायण राव, 72 से 73 नारायण राव, 72 से 73 लिखिए। अब ब्रिटिशर का जो है यहाँ पे एंट्री हो चुका है, टीपू सुल्तान वगैरह आ गए। नेक्स्ट लिखिए नारायण राव सेकेंड, 74 से 95 नारायण राव सेकेंड है ये। अब लिखिए 75 से 82 फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। क्या है ये? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ओके। 75 से 82 फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। तो ये जो नारायण राव सेकेंड है वो नाना फडणवीस उनके पास होते थे कमांडर, नाना फडणवीस और इन लोगों ने मिल करके जो है टीपू सुल्तान के साथ
और फ्रेंच के साथ मिलके एक अलायंस बनाया, लेकिन ब्रिटिशर के खिलाफ कोई अलायंस काम नहीं आया। मैं ये कह रहा हूँ कि मराठा, फ्रेंच और टीपू एक साथ आए, लेकिन ब्रिटिशर ने इसको डिफीट कर दिया। और एक हिस्टोरिक ट्रीटी होती है 1782, लिखो ट्रीटी ऑफ सालबाई, ट्रीटी ऑफ सालबाई, SALBAI, ये डेट याद रखना 1782। ये जो मराठा का एम्पायर था इसमें ब्रिटिशर ने कमज़ोर कर दिया। ये जो पेशवा होते थे, अब बोले पेशवा की बात कोई नहीं सुनेगा, जो छोटे छोटे ट्राइबल लीडर होते थे वही जो है अब कंट्रोल करेगा। और मुग़ल बादशाह शाह आलम की भी पावर को कम कर दिया, राइट। और ये जो फडणवीस है, वे नाना फडणवीस, वो मेन पावर का जो है सेंटर बने, ठीक है। लेकिन आपस में लड़ाई होती रही सिंधिया और फडणवीस में, जिससे माधवराव सेकेंड, माधवराव नारायण सेकेंड ने सुसाइड कर लिया। और धीरे धीरे महाराष्ट्र जो है मराठा बिल्कुल कमज़ोर होता गया, राइट। अब आइए बाजीराव सेकेंड, 1795 से 1880, सालवाई ट्रीटी में, यही पेशवा की ऑर्डर को नहीं मानना ब्रिटिशर, ये लिखे सालवाई, ट्रीटी ऑफ सालवाई ब्रिटिशर और मराठास के बीच में। बाजीराव सेकेंड, ये बाजीराव सेकेंड है, ये लिखिए इनके वक्त में क्या हुआ 1802, लिखिए 1802। मैंने इनका टाइम पीरियड आपको कहा है 1795 से लेके 1818। इन दिस टाइम 1802 बाजीराव सेकेंड, आप कॉपी देखें, बाजीराव सेकेंड टाइम पीरियड 1795 1818, ये बना पेशवा, ठीक है। लेकिन अब इसकी बात कोई सुनता नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथों में पावर लेने की कोशिश कर रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव सेकंड के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसको ट्रीटी ऑफ बेसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रीटी ऑफ बेसिन। कब हुआ? 1802, 1802 ट्रीटी ऑफ बेसिन, बेसिन BESIN, बेसिन की संधि, जिसमें कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैज एक्वायर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैज एक्वायर ऑल पावर ऑफ मराठा। हाँ जी, कंपनी और मराठा, मराठा की सारी शक्तियों को कंपनी ने कब्जा में ले लिया। और पेशवा पद को समाप्त कर दिया, याद रखना पेशवा पद समाप्त हो गया। देखो बच्चे, इसके बाद लड़ाई चालू हो गया। अरे मोबाइल मत देखो, 5 मिनट रुको, कुछ देर के बाद लड़ाई चालू हो गया। और लिखो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 05। फर्स्ट तो मैंने लिखवा दिया बच्चे, फर्स्ट मैंने लिखवाया था, उसके बाद सालवाई की ट्रीटी होती है। मैंने दो ट्रीटी कहा, सालवाई और बेसिन, बेसिन के, हाँ उसके बाद सालवाई की ट्रीटी हुई है 82 में। उसके बाद मैंने आपको कहा कि ये बेसिन की ट्रीटी हुई, बेसिन की ट्रीटी के बाद लड़ाई चालू हुआ सेकेंड, बेसिन के बाद सेकेंड लड़ाई हुआ। कब से कब तक? 1803 से लेके 5 तक। 1816 से लेकर 18 तक थर्ड भी लड़ाई हुई है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1816 से 181।
बेसिन के बाद। अब थर्ड कब हुआ है? ये सेकंड है, फर्स्ट मैंने पहली बता दिया था आपको, है ना। तो ये तीन लड़ाइयाँ हुई है, 18 आते आते कहानी समाप्त हो गया। किसके पास पावर आ गया? किसके पास पावर आया? कंपनी के पास पावर आया, राइट है। अब 1851 में ये पेशवा सेकंड भी मारे गए, और उसका एक बेटा था नाना साहब टू करके, उसको पेंशन देना जो है बंद कर दिया। नाना साहब टू उसको पेंशन देना बंद कर दिया। और 1857 का जब हम रिवॉल्ट पढ़ते हैं तो हमने क्या देखा? नाना की पेंशन बंद हो गई, बहादुर शाह जफर को कैद कर दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आया, डलहौजी आया, जो काउजेज बना। तो यहाँ पर दो एम्पायर का कहानी समाप्त हुआ, मुगल का, मराठा का, 1857 तक, राइट। तो तीन लड़ाई हुई है, एंग्लो वार एंड ऑल। सो मराठा एम्पायर का कहानी समाप्त हो गया बच्चे, ओके। मराठा हैज बीन एंडेड। लगभग मेरे भाई मेरे बात को सुनो, सुनिए। मराठा के बाद हम आपको दो मिनट का ब्रेक देंगे, लेकिन पाँच मिनट स्टोरी सुनो। वो आपने लिखा है जो लेटर मुगल थे, दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आपने एक ईयर करके बंदे के नाम लिखे हैं, राइट। अब मैं आपको कहानी जो सुना रहा हूँ थोड़ा माइंड में रखना, नोट वोट बुक में दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपको मैं दोनों पूछूंगा, लेटर मुगल और मराठा, एंड देन उसके बाद आगे चलेंगे इंडिपेंडेंट रूल में। हमने आपको कहा कि औरंगजेब की मौत 1707 में हुआ है, राइट। ये जो टाइम पीरियड आप देख रहे हो 1700 बाद, औरंगजेब के मरने के बाद मुगल कमज़ोर हो गया, तो मराठा को मौका मिला, क्योंकि शिवाजी और औरंगजेब की लड़ाई आपने देखे हैं, पुरंदर की ट्रुटी एंड ऑल, इसी समय घटना हो रहा है। तो मुगलों में भी मैंने आपको कहा था कि बहादुर शाह फर्स्ट, जिसका नाम आपका शाह आलम था, 65 ईयर के एज में वो रूलर बना। शाह आलम जो था, शाह आलम भी आपका ये मराठा के साथ है, सांभाजी के पुत्र वगैरह उनके साथ उनकी लड़ाइयाँ हो रही है, गुरु गोविंद सिंह के साथ भी लड़ाई हो रही है, ठीक है। और उन्होंने बुंदेला जो है जाट वगैरह के साथ लड़ाई लड़ा, और कहीं पे हारा भी। बहादुर शाह को ही साहे बेखबर कहा जाता है। बहादुर शाह के वक्त मराठा भी है और गुरु गोविंद सिंह के चेले चपोटे भी हैं, ये सब लड़ाइयाँ हो रही हैं। बहादुर शाह का ओरिजिनल नाम मुअज्जम था। उसके बाद बहादुर शाह तो साहेब खबर था, उसके बाद आपका आता है जहांदर शाह, 1712 से लेके 13, जो पीरियड अभी हम पढ़ रहे थे। जहांदर शाह एक नंबर का बहुत ही करप्ट और कैरेक्टरलेस बंदा था, राइट। कैरेक्टर का पूरी तरह से ढीला था, और इसकी वजह से एम्पायर का पूरा बागडोर जो है जुल्फिकार खान के हाथ में आ गया, और आमेर के राजा जयसिंह ने और अजीत सिंह ने इस समय काफ़ी डोमिनेट किया, महाराजा की उपाधि वगैरह ली, और साउथ में जो है इनसे मराठा सम्राट पैसा मांगने लग गए। चौथ और सरदेशमुखी जहांदर शाह को देना पड़ा, क्योंकि जहांदर शाह लास्ट मुगल एम्पायर करप्ट था, शराब में और नाच गाने में जो है हमेशा लगा रहता था, और अपनी एक मेड या दरबार में जो एक लड़की थी लाल कुंवर, उसके साथ बहुत ज़्यादा इंट्रैंगल था, जिस वजह से हिस्टोरियन इसको बोला लंपट और मूर्खता, ये एक नंबर का कैरेक्टर का खराब और मूर्ख रूलर था, सबसे गंदा यही था जहांदर शाह। उसके बाद आता है फारूक सियार, राइट। इसी वजह से मुगल का एम्पायर होगा। फारूक सियार थोड़ा ठीक था, लेकिन फारूक सियार के वक्त में सैयद बर्दर्स नाम के दो बंदे थे। सैयद बर्दर का ओरिजिनल नाम है हुसैन अली एक बंदे का, और दूसरा भाई है सैयद अब्दुल्ला खान। ये दोनों बड़े तेज हैं। अब ये जो इसको बोला जाता था किंग मेकर, ये जो बर्दर्स हैं, ये सैयद बर्दर जो है किंग मेकर है। बड़े सारे मुगल राजा का गेम ओवर कर दिया उसने, और एक दो को अंधा बनवा दिया, ठीक है। बड़े चलाक होते थे सैयद बर्दर्स ने। क्या किया, फारूक सियार को अपने हाथों का खिलौना बना लिया, पपेट बना लिया, राइट। फारूक सियार और ये दोनों, फारूक सियार, हुसैन अली और मीर बख्शी अब्दुल्ला खां, इन सबको बड़े हाई पोस्ट दिया, क्योंकि ये लोगों ने ही फारूक सियार को रूलर बनाया। और फारूक सियार ने
सिखों का एक सपोर्टर था बांदा बहादुर, उसको मरवा दिया, राइट। और फारूक सियार ने इसको भेजा कि मराठा के साथ दोस्ती कर लो, उससे हम नहीं लड़ सकते हैं। तो मराठा के साथ उसने बालाजी विश्वनाथ के साथ एक एग्रीमेंट भी किया, ठीक है, और साहू के साथ भी उसने एग्रीमेंट किया, जो साहू हम पढ़ रहे थे। लेकिन सैयद ब्रदर्स बहुत चालाक हुआ करता था, उसने बोला कि रिलीजियस टॉलरेंस की आप पॉलिसी लाइए, नहीं तो हिंदू आपको मारेगा, राइट। तो उसने जजिया टैक्स को ख़त्म कर दिया, और फारूक सियार के वक्त ही ब्रिटिशर ने फरमान लिया, 1717 में ब्रिटिशर ने एक फरमान ट्रेडिंग राइट लिया, और उस ट्रेडिंग राइट से ये हुआ कि 3,000 रुपये एनुअल देगा ईस्ट इंडिया कंपनी, और बंगाल में ट्रेड करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। ये फारूक सियार, ये फरमान इशू करने वाला फारूक सियार पहला है। और कुछ लोग बोलते हैं यहीं से इसने अपनी कब्रगाह बना ली, क्योंकि अब मुगलों का कब्र चालू है। फारूक सियार 1717 फारूक सियार ने ट्रेडिंग राइट दिया, किसको दिया ट्रेडिंग राइट, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कितने रुपए में, 3,000 में, राइट। अब देखो अब हो क्या रहा है कि ये जो सैयद ब्रदर्स है फारूक सियार को मार दिया, मरवा दिया इनफैक्ट, और रफीक उद्दराज को गद्दी पे बैठाया। लेकिन रफीक उद्दराज टीबी का पेशेंट था, वो बीमारी से मारा गया, हाँ। उसके बाद उसने किसी दूसरे को बनाया, ठीक है, कुछ समय के लिए, और एक हिंदू रामचंद्र को दीवान बनाया, राजा की उपाधि दी, और सैयद ब्रदर्स लिखो हिंदुस्तानी दल बनाया था, सैयद ब्रदर हैज़ फॉर्म अ हिंदुस्तानी दल, लिख लो हिंदुस्तानी दल कौन बनाया था, सैयद ब्रदर। अब इसके बाद सैयद ब्रदर ने किसको बनाया, मोहम्मद शाह को बनाया। ये मोहम्मद शाह रंगीला नहीं है, मोहम्मद शाह ये और है कोई, ठीक है ना, नहीं ये वही मोहम्मद शाह रंगीला ही है, मोहम्मद शाह, हाँ रंगीला ही है, मोहम्मद शाह रंगीला है। इसको क्या किया सैयद ब्रदर ने, इसको भी अय्याशी का सबक लगा दिया, इसको मदिरा, उसके बाद नाच गाने में इसको जो है सैयद ब्रदर्स ने इसको इन्वॉल्व करके रखा, और जिससे सैयद ब्रदर्स ने अपना गेम चालू रखा। लेकिन सैयद ब्रदर्स को भी एक इसी के एम्पायर में हैदर खान ने मार डाला, ठीक है ना, सैयद ब्रदर्स ने हुसैन को हैदर खान ने मार डाला, एंड देन अब्दुल्ला खां को जहर डाल के मार दिया, यानी दोनों भाइयों का काम तमाम जो है मोहम्मद शाह रंगीला के वक्त हो गया, राइट। अब देखो मोहम्मद शाह के वक्त ही, मोहम्मद शाह जो ये इस तरह का बंदा था, उसी के वक्त बंगाल में मुर्शिद क्वाली खां, यहाँ पे स्टार मार्क्स दे के रखो क्योंकि इसके बाद कहानी वहीं से चालू होगा। मोहम्मद शाह के वक्त अवध में सदाउद खान नाम का एक बंदा आया, जो कुछ समय रूल किया, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मुर्शिद क्वाली खान से कहानी चालू करेंगे। बंगाल में इंडिपेंडेंट रूल मोहम्मद शाह रंगीला के वक्त कौन लिया, मुर्शिद क्वाली खान, जो कि मुर्शिद क्वाली खान इसका एक डिप्टी कमांडर हुआ करता था, और वो औरंगजेब के वक्त भी काम किया है, मोहम्मद शाह के वक्त भी काम किया है और औरंगजेब के वक्त भी काम किया है मुर्शिद क्वाली खान, इसको याद रखना आगे हम चलेंगे। लेकिन मोहम्मद शाह मराठों के सामने जो है आपका टिक नहीं सका, और उसने क्या किया कि भारत पराक्रमण करने के लिए 1739 में नादिर शाह को इन्वाइट किया कि आप आओ हमारे यहाँ पर अटैक करो। नादिर शाह 1739 में इसको बुलाया गया, लेकिन नादिर शाह को बुलाया लेकिन नादिर शाह ने दिल्ली में उसकी हत्या कर दी, किसको, मोहम्मद शाह को मार डाला। अब धीरे धीरे नादिर शाह भारत में आना चालू कर दिया, लूट मार करता रहा, राइट। मुगलों की सेना ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाया उसके सामने, वो लूट मार करके दिल्ली से भाग गया, ठीक है, और उसी का चेला चपोटा है अहमद शाह अब्दाली, जो पानीपत के लड़ाई में है, नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली दोनों एक ही बंदे हैं, एक ही ग्रुप के बंदे हैं। अब यहाँ पर मुगलों का एक रूलर अहमद शाह बना, फिर आलमगीर, अहमद शाह का टाइम है 1748 से 1754, देन आलमगीर सेकेंड 1754 से 1559, शाह आलम सेकेंड जो अली गौहर था
पलासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई के वक्त यही शाह आलम है 1759 से 1806, यही है आपकी बक्सर की लड़ाई और आपका पलासी के बाद शाह आलम सेकेंड। शाह आलम के बाद अकबर आया, अकबर के बाद बहादुर शाह सेकेंड आया और मुग़लों का कहानी समाप्त हो गया। शाह आलम का थोड़ा सा रोल है, आप जब देखेंगे क्या नाम है इलाहाबाद की ट्रीटी के वक्त, साथ में आपका पलासी की लड़ाई के बाद, और बहादुर शाह जफर वो आपका 1857 के क्रांति में बहादुर शाह मारा गया। यानी नादर शाह इनके समय से ही आप देखोगे कि इसका डिक्लाइन हो गया। इसी वजह से लोग मानते हैं कि औरंगजेब के बाद जितने भी मुग़ल आए वो सारे कमज़ोर और कैरेक्टर के ढीले बंदे थे, जिस वजह से मुग़लों का डाउनफॉल हो गया, और यही हालत मराठा में भी था। इसका फ़ायदा उठाया नादिर शाह ने, अहमद साहब दाली ने, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया ब्रिटिशर ने। ब्रिटिशर ने इस वजह से दोनों एम्पायर का खात्मा कर दिया। ठीक है, तो मुर्शिद क्वाली खां पे आएंगे, वहाँ से कहानी चालू होगा बंगाल का, राइट। लेकिन एक बार आप इसको रिवाइज कर लो। देखिए आप कुछ भी करें, अगर आप पढ़ेंगे ना तभी आपको याद रहेगा। मैं ये कहूँगा कि आपने भी घर में एक बार रिवाइज करना है, राइट। क्योंकि कोई ऐसा बाबा रामदेव ने भी चौनप्रास नहीं बनाया, नहीं कोई घुटी है कि सिर्फ सुन के आपको याद रहेगा। सो आप एक बार याद रखिएगा।
बेसिन की ट्रीटी कब हुई थी आप बताओ, बेसिन ईयर, बेसिन और सालवाई की ट्रीटी, एग्जाम में पूछेगा, पालखेड़ा का लड़ाई, अभी बोला मैंने निजाम और इसमें, आप बोलो बच्चे तीन लड़ाई हुआ मराठा का, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंग्लो, तीनों का डेट बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैंने पालखेड़ा का लड़ाई, बेसिन, सालवाई और ये पूछा तीनों, एग्जाम में आपको लड़ाई वगैरह से पूछते हैं, ट्रिटी ऑफ बेसिन, अहमद शाह अब्दाली ने कब अटैक किया था, हाँ थर्ड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का ईयर बता दो, 61, और नादिर शाह ने किसके वक्त अटैक किया था, मोहम्मद शाह, लूट मार किया था दिल्ली में, मुझे बताओ मराठा क्यों हार गए, ठीक है, अच्छा साहेब खबर कौन था मुगल में, बहादुर शाह, अच्छा मोहम्मद शाह रंगीला का टाइम पीरियड बताओ, टाइम पीरियड बताओ, मैं दूसरा पूछ रहा हूँ, टाइम पीरियड बताइए मोहम्मद शाह रंगीला, कब मरा था औरंगजेब की डाइट डेथ कब हुई है, 7 में, अच्छा किसका किसी जो है मस्तानी नाम के महिला के साथ संबंध था, ठीक है ओके ओके ओके, और कौन था अपनी जो है लाल कुंवर के साथ किसका इम्पैक्ट है, कोई महिला के साथ जो है लाल कुंवर नाम के महिला के साथ किसका अफेयर था, कोई है ना, मोहम्मद शाह है, लास्ट मुगल रूलर कौन है, कवि कलश और संभाजी को किसने मारा था, हिंदू पद शाही कौन था, हिंदू को एक साथ करने वाला, बाजीराव था, ठीक है, शिवाजी 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 ने कोई टाइटल भी लिया था है ना, दो तीन टाइटल लिया था, छत्रसाल और दूसरा छत्रपति शिवाजी, एक और टाइटल लिया था, इस बच्चे को कॉपी दिखा के बता दीजिएगा, ठीक है, ओके फाइन, देखो बच्चे 18 सेंचुरी के क्वार्टर में, 18 सेंचुरी के क्वार्टर में मतलब 18 सेंचुरी अराउंड 20 एंड ऑल, भारत में मुगलों के प्रभाव से कुछ एम्पायर ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया, राइट, जिसमें अवध है, बंगाल है, पंजाब है, सबसे पहले बंगाल जो है आज़ाद हुआ था, आ? फोर चार पंजाब एटसेट्रा, पंजाब ठीक ही बोला, चार पंजाब, बंगाल, अवध और एक है, ठीक है, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि बंगाल बिकम द फर्स्ट, बंगाल सबसे पहले स्वतंत्र हुआ, राइट, बंगाल जो है स्वतंत्र हुआ है 1700 समथिंग में, यहाँ का एक बंदा है मुर्शिद क्वाली खान, जो कि औरंगजेब ने इसको अपॉइंट किया था, आपका औरंगजेब हैज़ अपॉइंटेड एज अ दीवान, ठीक है ना, औरंगजेब को इन्होंने एक दीवान की तरह अपॉइंट किया था, बंगाल में दीवान बनाया था, किसको, क्वाली खान को, मुर्शिद क्वाली खान, फारूक सियार ने इसको अपॉइंटेड किया एज अ सूबेदार, और इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया औरंगजेब के मरने के बाद, 1717 से 1727 टाइम पीरियड है, ये साउथ इंडिया का एक ब्राह्मण है, साउथ इंडिया का ब्राह्मण है, हाँ ब्राह्मण है, धर्म परिवर्तन कर लिया उसने, साउथ इंडियन ब्राह्मण है जो धर्म परिवर्तन करके जो है मुसलमान बना, इस्लाम को एक्सेप्ट किया, और ये है क्वाली खान, मुर्शिद क्वाली खान, राइट, ये एक बहुत ही स्ट्रांग रूलर था, आप कह सकते हो कि जितने भी रीजनल पावर ग्रो के सबसे स्ट्रांग यही था मुर्शिद क्वाली खान, राइट,
औरंगजेब ने इसको 1701 में अपॉइंट किया था अपना जो है दीवान, राइट, बंगाल का दीवान अपॉइंट किया था क्वाली खान को, और फरूख सियार ने इसको सूबेदार बनाया 1719 में उड़ीसा में, इसने अपना इंडिपेंडेंट रूल एस्टैब्लिश कर लिया। ही हैज चेंज हिज कैपिटल फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद। कैपिटल इसने, पहले बंगाल का कैपिटल हुआ करता था ढाका, उसको बनाया मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद चेंज किया कैपिटल, मुर्शिद क्वाली खान ने मुर्शिदाबाद बनाया। ठीक है, मुर्शिद क्वाली खान लैंड वगैरह के बारे में भी जानकार थे, उन्होंने बड़े सारे लैंड रिवेन्यू सिस्टम को चेंज किया, अपने एम्पायर को बहुत स्ट्रांग बनाने का प्रयास किया। मुर्शिद क्वाली खान ने 1704 में ढाका से मुर्शिदाबाद बनाया, बंगाल का कैपिटल, राइट। बंगाल में नई लैंड रिवेन्यू सिस्टम लाया जिसको इजरा सिस्टम बोलते हैं, टकाभी, इजरा और टकाभी लिखो, एंड न्यू लैंड सिस्टम, इजरा एंड टकाभी इन्होंने काम किया, इजरा और टकाभी। लैंड रिवेन्यू से बड़े सारे चेंजेस किए, ही हैज मेड मेनी रिफॉर्म इन लैंड रिवेन्यू। ठीक है, कुलीन सिस्टम, जमींदारी सिस्टम और कुलीन प्रथा बंगाल में चलाया, कुलीन प्रथा बंगाल में जमींदारी से रिलेटेड था, कुलीन प्रथा को, जमींदारी सिस्टम, लैंडलॉर्ड सिस्टम को बनाया उसने, लैंडलॉर्ड सिस्टम। देखो बच्चे, इसके बाद इसका सन इन लॉ 1727 से 39 तक, इसका सन इन लॉ सुजाउद्दीन, क्या नाम है, सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन जो है सन इन लॉ ऑफ क्वाली खां, राइट, बना रूलर, और ही अपॉइंटेड, सुजाउद्दीन ने किसको अपॉइंट किया, सुजाउद्दीन अपॉइंटेड अलबर्दी खान, अलबर्दी खान एज अ कमांडर, कमांडर और नायब, और नायब ऑफ बिहार, बिहार बंगाल एक साथ होता था, यही अलबर्दी खान ने गेम कर दिया। सुजाउद्दीन जो उसका सन इन लॉ है, उसने इसको जो है अलवर्दी खां को अपॉइंट किया है, अलवर्दी खां, अलवर्दी खां को बिहार का कमांडर अपॉइंट किया। सुजाउद्दीन के मरने के बाद, सुजाउद्दीन के मरने के बाद सरफराज खान, सरफराज खान रूलर बना, सर फराज खान कब से कब तक, 1739 से 40, सुजाउद्दीन के मरने के बाद कौन बना, सरफराज खान, सरफराज खान बना है बंगाल का नवाब 1739 से 40, एक साल, लेकिन एक साल के अंदर ही इसको मरवा दिया गया, मार दिया गया बाय मुर्शिद क्वाली खान, मुर्शिद क्वाली खान नहीं, बाय अलवर्दी खान, करेक्ट इट, अलवर्दी खान जो कि सुजाउद्दीन का कमांडर था, द कमांडर ऑफ सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन का कमांडर कौन था, अलवर्दी खान। सुजाउद्दीन के बाद सरफराज खान बना, सरफराज खान रूलर बना, लेकिन रूलर उसकी चलने नहीं दी, साल भर के अंदर उसको हरा दिया, एक लड़ाई हुई है, उस लड़ाई में उसको हरा दिया। अलवर्दी खां किल सरफराज खां विद द हेल्प ऑफ 3-4 पर्सन के नाम है, गिरिया की लड़ाई, लिखो गिरिया, GIRYA, गिरिया की लड़ाई, GIRYA, गिरिया लड़ाई, बैटल ऑफ गिरिया की लड़ाई में अलवर्दी खां किल सरफराज खान, अलवर्दी खान ने सरफराज खां को मारा विद द हेल्प ऑफ जगत सेठ, जगत
जग इस जगत सेठ को अच्छे से याद रखना, ये बहुत बड़ा कलाकार है जगत सेठ। और हाजी अहमद, हाजी अहमद, हाजी अहमद, हाजी अहमद और जगत सेठ की हेल्प से बैटल ऑफ गिरिया में इसको मारा है। किसको मारा है? सरफराज को मार करके जो है रूलर बना है। सरफराज खान वॉज किल्ड, राइट? सरफराज खान कुछ समय के लिए बना, बट गिरिया की लड़ाई में 1740, लड़ाई कब हुआ है 1740 में, सरफराज खान को मार करके रूलर बना। और ही वॉज द लास्ट पावरफुल रूलर अलवर्दी खां, उसके बाद ब्रिटिशर ने कब्जा कर लिया, ठीक है। नाउ अलवर्दी खां का टाइम पीरियड क्या हुआ, 40 से 56। अलवर्दी खान का जो टाइम पीरियड है 1740 से 56, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ अलवर्दी खान। अलवर्दी खान का टाइम पीरियड ये है, राइट? अब देखो, हाँ, 1740 से 56, आप जानते होंगे कि ब्रिटिशर भारत में आ चुका है, मराठा के साथ भी लड़ाई आपने देखा, मुगलों के साथ भी देखा। अब ये तो एक इंडिपेंडेंट रूलर है जो मुगलों से ही निकला है, तो इसको भी ब्रिटिशर चैन से नहीं बैठने देगा। अलवर्दी खान के लिए भी ये थ्रेट है कि बंगाल में तो ब्रिटिशर हमें डिस्टर्ब करेगा। इसने ब्रिटिशर और फ्रेंच दोनों को कंट्रोल करने की कोशिश की। ब्रिटिशर जो कलकत्ता में, आपको याद होगा 1619 कलकत्ता का फाउंडेशन हुआ है, सूतानाटी और गोविंदपुर, तीन चार जगहों की दीवा उनको दिया गया ट्रेडिंग राइट, और 1619 में तो दो जगह, उसकी चंदन नगर में एक फैक्ट्री था, कलकत्ता में है, तो दोनों जगह उसने चेक किया। एक तरह से ब्रिटिशर को वहाँ से भगाने की कोशिश की। कौन? अलवर्दी खां। इससे ब्रिटिशर काफ़ी नाराज हुआ। नाउ यू राइट टू लाइन, अलवर्दी खां हैज ट्राई टू कंट्रोल ब्रिटिशर एंड फ्रेंच। They try to control French and English. They did not permit Calcutta and Chandernagar to set up factory. Chandernagar. अब देखो, डोंट राइट, मराठा भी इसको तंग कर रहा है। मराठा से तंग होकर के, त्रस्त होकर, उसने उड़ीसा मराठा को दे दिया, बोला ठीक है आप कंट्रोल करो, और बोला आप ये भी ले लो और मैं आपको 12 लाख रुपया भी दूंगा चौथ, ये टैक्स देता रहूंगा। अलवर्दी खान थोड़ा दिमागी आदमी था, लेकिन फिर भी उसकी ज़्यादा चली नहीं। वो बंगाल का, मैंने आपको कहा, डिप्टी गवर्नर भी था बंगाल बिहार का। अलवर्दी खां मुगलों को नजराना होता था, टैक्स देना है, जिसको बोलते हैं हफ्ता वसूली, एक पैसा देना, नजराना होता था। बड़े बादशाह को छोटे राजा देते थे, वो भी देना बंद कर दिया, राइट? अब मुगलों के साथ इसकी लड़ाई हो रही है, अब यूरोपियन इधर से प्रेशर बना रहा है, यानी मुगल भी, मराठा भी, यूरोपियन। वो मानता था कि यूरोपियन को अगर आप नहीं छेड़ोगे तो वो शहद देगा, और लड़ाई करोगे तो आपको काट खाएगा, इसीलिए यूरोपियन से डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूरोपियन के साथ इसकी ज़्यादा लड़ाई हुई नहीं, लेकिन इसका बेटे का बेटा सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, और यहीं पर गेम चालू हो गया। सिराजुद्दौला से ही खेला चालू है, और इतिहास में प्रोफेसर यदुनाथ सरकार बोलता है कि पलासी लड़ाई के बाद मेडाइवल एरा एंड हो गया और मॉडर्न चालू हो गया। सिराजुद्दौला बंगाल के बहुत अच्छे नवाब थे, और उसने ब्रिटिशर की ये मंशा भांप ली, और ब्रिटिशर को जगह जगह चेक करने लगे। अब ब्रिटिशर को बहुत तकलीफ है सिराज से, कि सिराज उसका जो काम हो रहा है सिराजुद्दौला, वो करने नहीं दे रहा है, बंगाल तो चाहिए उसको। अब इसके साथ कॉन्स्पिरेसी हुआ, मीर कासिम, मीर जाफर,
ये जो जगत सेठ मैंने आपको बोला, ये बैंकर था, कलकत्ता के दो चार बिजनेसमैन मानिक चंद, ओमिन चंद, इसको लिया। और इसकी एक मौसी है, बहुत बड़ा गुंडी है वो, घसीटी बेगम। और ये घसीटी बेगम, जगत सेठ नाम ही उसका है, और इन लोगों ने मिल करके एक कॉन्स्पिरेसी किया और सिराज को ख़त्म कर दिया, राइट? तो ये सारा कहानी होगा। आप देखो, सिराज उदौला का चैप्टर चालू हो रहा है, ये हिस्ट्री में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, सिराज उदौला। अब यहाँ से आप लोग को हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। सिराज उदौला का कहानी जो चालू हो रहा है, सिराज उदौला 1756, राइट? सिराज उदौला ने ब्रिटिशर का एक फैक्ट्री है कासिम बाजार, 1756 यहाँ अटैक कर दिया ब्रिटिशर का, कासिम बाजार पे अटैक किया सिराज उदौला, राइट? सिराज उदौला ने इसके ऊपर अटैक कर दिया कासिम बाजार में, और ब्रिटिशर की फैक्ट्री को बंद करवा दिया। इसको अपने फैमिली में भी प्रॉब्लम है, इसका चचेरा भाई है शौकत जंग, और इसकी मौसी है जिसको आप मासी बोलते हो, घसीटी बेगम। ये घसीटी बेगम जो है, ये नाम का भी नहीं घसीटी, काम का भी घसीटी है। इसने क्या किया कि मिर्जाफर के स्थान पे मीर मर्दान को सेनापति नियुक्त कर दिया, और मोहनलाल को भी रखा। लेकिन फाइनली आप देखोगे कि इसका कोई भी गेम काम नहीं आता है। इसी के समय में ब्लैक होल इंसिडेंट होता है 1756 में, हिस्ट्री में 1756 ब्लैक होल इंसिडेंट। ब्लैक होल इंसिडेंट में क्या घटना हुआ था कि बहुत सारे ब्रिटिशर को, यूरोपियन को उसने पकड़ करके एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। 146 कोई बोलता है, कोई 256 बोलता है, कोई कुछ बोलता, और इसमें से 125 कोई बोलता है, 200 कोई बोलता है, 200 प्लस सारा मारा गया। ब्रिटिशर बोलता है कि ब्रिटिशर भारत में नहीं आता अगर ये ब्लैक होल इंसिडेंट नहीं होता। तो क्या किया, छोटे से कमरे में बंद कर दिया, और मिर्च जो होता है, मिर्च खाने वाला मिर्च, उसको जला के झोंका डाल के मार दिया, सबको उसमें डाला, कमरे में बंद कर दिया, सुबह उठ के दो चार बजे सारा मारा। ये इतिहास में बहुत बड़ी घटना है, ब्लैक होल इंसिडेंट, सिराज उदौला मिर्च लगाया, उस मिर्च से मार दिया। दो चार हिस्टोरियन ने बोला कि ये जो घटना हुआ इस वजह से ब्रिटिशर यहाँ पे अटैक किया। वो तो फिर अटैक चारों तरफ हुआ, लेकिन ब्लैक होल सिराज उदौला के वक्त है, और बंगाल में हुआ, छोटे से बहुत कमरा, इसी में अगर 200 आदमी को रख दोगे और मिर्च लगा दोगे तो सारा तो सफोकेशन से मारा जाएगा। तो ये ब्लैक होल इंसिडेंट जो है इस वक्त हुआ था, राइट? सिराज उदौला ने किया था, सिराज ने किया था, ब्रिटिशर के बंदे थे, ब्रिटिशर से इसको भी बहुत एलर्जी था, समझ रहे हो, ब्रिटिशर को वो भी देखना नहीं चाहता था, राइट? अब देखो, इसके बाद ब्रिटिशर ने इसके ऊपर चढ़ाई कर दिया, राइट? अब ब्रिटिशर में इसके बीच में लड़ाई हो रहा है। 9 फरवरी 1757 अली नगर की ट्रीटी हुई, अली नगर, ट्रीटी ऑफ अली नगर, राइट? ब्रिटिशर्स और सिराज के बीच में, ब्रिटिशर ने सिराज के ऊपर शर्त लगाया, क्योंकि ब्रिटिशर से यहाँ पे सिराज ज़्यादा जीत नहीं पाया था और थोड़ा बहुत हार भी हुआ। एडमिरल वाटसन और क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव बहुत खतरनाक बंदा था, क्लाइव नवाब के ऊपर शर्त लगाई कि देखो हमें चुपचाप फैक्ट्री चलाने दो, क्वाइन वाइन ढालने का ऑर्डर दो, और उसने ये बोला कि हम तुमको अफगानी जो अटैक कर रहे हैं उसके वजह हम तुमको सेफ्टी देंगे। हाँ, अभी कहानी चलो, ब्रिटिशर ने बोला
कि मैं आपको एम्पायर को सेफ रखूंगा, सिर्फ हमें आप बिजनेस करने दो, हमारे साथ कोई ज़्यादा लड़ाइयाँ मत करो, जो अफगानी यहाँ अटैक कर रहे हैं मैं उनसे आपको बचाऊंगा, लेकिन हमें हमारा ट्रेडिंग राइट दो, राइट है। तो इस तरह से एक शांति समझौता तो स्थापित करने की कोशिश की गई, लेकिन ब्रिटिशर ने अपना वादा पूरा नहीं किया। ब्रिटिशर अपने जो एम्पायर है उसको एक्सपेंशन करता रहा, बढ़ाता रहा ट्रेडिंग राइट को। अब नवाब को ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि ब्रिटिशर बिना परमिशन के इंटरफेयर कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर का इरादा कुछ और था और सिराजुद्दौला ब्रिटिशर के रास्ते में बाधा का काम कर रहे थे, ऑब्स्टेकल का काम कर रहे थे। तो इस बीच में क्या हुआ कि सिराजुद्दौला को हटाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने, ब्रिटिशर ने कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट किया, दूसरे को बोला, उसको बोला, उसके कमांडर जो था उसको अपने साथ सेट कर लिया। सिराज से जो इसके फैमिली मेम्बर है, घसीटी बेगम, ये सब भी नाराज है, राइट। बिजनेसमैन है, उसको बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए। सो 5-7 बंदे मिल करके सिराज को हटाया। और इसमें देखो किरदार कौन कौन है, ये सारे प्लेयर ने, एक्टर ने काम किया और सिराज को हराया। बैटल ऑफ पलासी, मुर्शिदाबाद से 200 किलोमीटर दूर। पलासी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पलाश के पेड़ बहुत है, इसीलिए पलाश, बैटल ऑफ पलासी। 3 June 1757, दिस इज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री, बैटल ऑफ पलासी। बैटल ऑफ पलासी या पलासी, बैटल ऑफ पलासी, यही जगत सेठ है यहाँ पे, जगत सेठ एक बंदा, मानिक चंद, आमीन चंद, इसमें आमीन चंद ऑफिसर है ब्रिटिशर का, ये बैंकर है, ये बिजनेसमैन है, घसीटी बेगम भी है इसमें कैरेक्टर, उसका जगत सेठ, कलकत्ता का बिजनेसमैन जगत सेठ, उसके साथ प्लेयर आ गया मिर्जाफर, सबसे बड़ा मिर्जाफर। मिर्जाफर ने ब्रिटिशर से डील कर लिया था, ये चारों पांचों प्लेयर हैं। मैंने कहा पहले जगत सेठ, मानिक चंद, ओमीन चंद, घसीटी बेगम, जगत सेठ, मिर्जाफर और एक है राय दुर्लभ। पलासी को अच्छे से समझो, इसके बिना आगे कहानी नहीं बनेगा। बहुत बार एग्जाम में आया है पलासी, बोलो, बैटल ऑफ पलासी। मैंने बोला राय दुर्लभ, जगत सेठ, आपका मिर्जाफर, घसीटी, ओमीन चंद, मानिक चैन, जगत सेठ, ये सारे कैरेक्टर्स हैं। दो बार बोला। जगत सेठ मैंने दो जगह, अच्छा दो बार बोला होगा, लेकिन दो जगह कहाँ लिखा? अच्छा, जगत सेठ, चलो कोई बात नहीं, जगत सेठ को काट दो, एक ही बंदा है, दो बार नहीं है, मैं ऐसे बोल गया होगा। मिर्जाफर, मानिक चंद, ओमीन सेठ, जड राय दुर्लभ एंड ऑल, ठीक है, ये सारे मिल करके सिराज के सामने सिराज को पता नहीं था कि हमारा कमांडर मिला हुआ है, लड़ाई करने पहुंचा, सिराज के सामने ये भाग गया मिर्जाफर। अब सिराज को कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिराज भी लड़ाई छोड़ के भागा, लेकिन पकड़ लिया गया सिराज, मिर्जाफर का बेटा मीन मर्दान उसको मार दिया कब्जे में लेकर के। तो सिराजुद्दौला का कहानी यहाँ ख़त्म हो गया। अब कॉन्स्पिरेसी था, सिराज के बात समझ में नहीं आई, तो इस वजह से क्या हुआ, मिर्जाफर को पपेट नवाब बनाया क्लाइव ने। सिराज के बाद मिर्जाफर बिकम द पपेट नवाब, मिर्जाफर 1757 से 60, मिर्जाफर इसको फ्रस्ट्रेट हो गया, इसका फिर दामाद आया सन इन लॉ, इसको भी फ्रस्ट्रेट कर दिया। हाँ, तो इसको क्या क्या, इसको डिस्पोर्ट कर दिया, इसको बोला तुम हटो, तुम्हारे दामाद को बना दे रहा हूँ। मिर्जाफर जब नवाब बना तो मिर्जाफर को खेल समझ में आ गया,
सिराज को मार दिया, अब मेरा भी नंबर है। अब ब्रिटिशर किसी का सुन नहीं रहा था, वो बोल रहा था कि हमने अपना बिजनेस करना, हमें ट्रेडिंग राइट दो एटसेट्रा एटसेट्रा। ब्रिटिशर ने सिर्फ इसको पपेट बनाया था, राइट। जैसे उसने ब्रिटिशर के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करना चालू किया, उसको डिसमिस कर दिया। इसको डिसमिस करके मीर कासिम को बनाया, लेकिन मीर कासिम को लगा कि हम ठीक रहेंगे, लेकिन इसको भी गेम कर दिया। मीर कासिम आपका 1760 से 63 तक रहा। अब मीर कासिम को भी खेल समझ में आ गया, ये तो किसी का नहीं है, ना मेरे ससुर का हुआ, ना मेरा हुआ, ना किसी का होगा। मीर कासिम भागा, बोला अब यहाँ खेल ख़त्म। मीर कासिम भागा, मिर्जाफर को कुछ समय के लिए नवाब बना दिया। मीर कासिम भाग के गया मुगल बादशाह के पास, बोला अपने लोगों के साथ खेला हो गया है, अब अपने लोगों को गेम करना है। बहादुर शाह के पास गया, और अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, तो इन तीनों से मिला वो। सुजाउद्दौला के पास गया, उससे मिला, उसके बाद बहादुर शाह जफर के पास गया, और इसे तीनों ने मिलके बोला कि अब ब्रिटिशर जो है हमें लड़ने का वक्त आ गया, नहीं तो ब्रिटिशर हमें छोड़ेगा नहीं, राइट। इन तीनों ने अलायंस बनाया, तब तक देर हो चुका था, खेल खराब हो चुका था। 22 अक्टूबर 1764 ये है बक्सर की लड़ाई। 22 अक्टूबर 1764 फुल्ली बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर अगेन। रॉबर्ट क्लाइव सारा मास्टरमाइंड है, उसको 50-10 सालों से कहानी देख रहा है, उसको तो अपना बिजनेस करना है, ब्रिटिश का इस्टेब्लिशमेंट करना है, राइट। उसने तीनों को हराया और एग्रीमेंट किया इलाहाबाद की ट्रीटी। जब पलासी की लड़ाई हुई तो हिस्टोरियन ने बहुत तरह से किया, जैसे मैंने आपको कहा यदुनाथ सरकार ने बोला अब भारत में ब्रिटिशर का साम्राज्य आ गया, मॉडर्न इंडिया स्टार्ट। किसको? पलस बक्सर। बक्सर की लड़ाई ब्रिटिशर क्लाइव है एक तरफ, और पार्टी है तीन पार्टी है, ब्रिटिशर वन साइड, सुजाउद्दौला, नवाब है अवध का, मीर कासिम बंगाल का डिसमिस रूलर, और नहीं बहादुर शाह आलम, शाह आलम। मीर कासिम बंगाल का है जो डिसमिस हो चुका है, मीर कासिम बंगाल का जो डिसमिस रूलर है, सुजाउद्दौला अवध के नवाब, और शाह आलम, तीनों की कलेक्टिव सेना पहुंची बक्सर के लड़ाई में, ठीक है। बक्सर के लड़ाई में तीनों को हराया गया, ठीक है, और यहीं से खेल चालू हो गया, ठीक है। बच्चे दो तीन पॉइंट आप लिखो, ये तो आपका कॉन्स्पिरेसी हो गया। पलासी की लड़ाई में ब्रिटिशर के पास जो है ज़्यादा फोर्स नहीं है, उसके पास बंदूकची हैं और उसके बाद कुछ तोप वाले हैं। बंगाल के सेना का जो लीडर था मिर्जाफर कर रहा था, लेकिन मिर्जाफर तो गद्दार था, वो ब्रिटिशर के साथ हो लिया। नवाब के तरफ से मीर मर्दान और मोहनलाल बहादुरी से लड़ा था। पलासी की लड़ाई में मीर मर्दान और मोहनलाल बहादुरी से लड़ा, हाँ सब कुछ कर लिया उसी में। अब यदुनाथ सरकार बोलता है कि 1757 में भारत में मध्यकालीन युग का अंत हो गया और आधुनिक युग का शुभारंभ हुआ। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, और बंगाल ने अंग्रेजों को 24 परगना की जमींदारी दी। उसको क्लाइव का गिदर, जैकल ऑफ क्लाइव बोला गया, पपेट ऑफ क्लाइव। अंग्रेज अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और कॉन्स्पिरेसी चालू है। 1760 में बंगाल के गवर्नर बेनस्टॉट और मीर कासिम के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, जिसके हिसाब से उसको गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, और बोला गया बर्धमान मिदनापुर चटगांव कंपनी ने ले लिया, बोला ये नहीं ले देंगे, और
ये बंगाल की दूसरी क्रांति है, मीर कासिम नाउ बना द रूलर। मीर कासिम को भी खेला समझ में आ गया कि मैं ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ, इसीलिए उसने कैपिटल चेंज किया, मुर्शिदाबाद से हटा के मुंगेर किया और मिलिट्री इक्विपमेंट साजो सामान तैयार करने में लग गया कि हमें जो है लड़ाई लड़नी है ब्रिटिशर के साथ, राइट। फॉरेन से भी फोर्स मंगवाए गए, बंदूक की फैक्ट्री मुंगेर में सेट किया गया और भारतीय जो कमर्शियल जो भारतीय जो बिजनेसमैन थे उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया गया। साथ में रिवेन्यू सिस्टम में भी रिफॉर्म किया। अब इसको देख के ब्रिटिशर चिंता में आ गए कि मीर कासिम भी मेरा बात नहीं मान रहा है, फिर मीर कासिम को हटा दिया गया। अब इस चीज़ को लेकर के मीर कासिम नाराज होकर के ब्रिटिशर के खिलाफ एक अलायंस बनाता है जिसमें मुगल बादशाह शाह आलम है, अवध का नवाब शुजाउद्दौला है और मीर कासिम है। ये तीनों मिलकर के मुगल को चैलेंज करते हैं 22 अक्टूबर 1764 में और इस गठबंधन सेना के साथ लड़ाई होता है। रॉबर्ट क्लाइव के तरफ से हेक्टर मुनरो ने लीड किया और उस लड़ाई में ये तीनों बहुत बुरी तरह से हार जाते हैं और एग्रीमेंट होता है लड़ाई के बाद। लिखिए रॉबर्ट क्लाइव एंड मुगल बादशाह शाह आलम के बीच इलाहाबाद की ट्रीटी होती है। इलाहाबाद की ट्रीटी जो है आपका दो ट्रीटी है, अभी आप इस पे मत लिखो, इस पे हम लोग कल लिखेंगे। दो ट्रीटी होता है, देखो डोंट राइट बस सुन लो। कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी मिला, कंपनी ने कारा और मानिकपुर मुगल बादशाह को सौंप दिए, 26 लाख का हर्जाना वार्षिक देना पड़ा, शाह आलम को बंगाल का कुछ पार्ट, शाह आलम ने निज़ामुद्दौला को बंगाल का नवाब बना। मैं आई विल आस्क यू क्वेश्चन, मैं आपको पूछूंगा आपसे। कंपनी ने 53 लाख रुपए दिए, मिर्जाफर को पपेट फिर से बना दिया गया और 1765 से लेकर के 1765 से लेकर 1772 तक ड्यूल सिस्टम बंगाल में चला है, राइट। तो हम लोग इलाहाबाद की ट्रीटी को कल फिर से एक बार लिखेंगे, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बट बिफोर दैट आप एक बार रिवाइज करके मुझे समझाओ। मुर्शिद क्वाली खान से ये बंगाल में क्या सब हुआ, आप बताओ। तो ये जो है ब्लैक होल इंसिडेंट कब हुआ था, क्या मामला था? क्यों किया गया ऐसा? अच्छा, बक्सर की लड़ाई कब हुई है? हाँ 64। कौन कौन है पार्टी? पलासी की लड़ाई कब हुई है, बैटल ऑफ पलासी? क्या था पलासी की लड़ाई में, कौन लोग हैं और क्या मसले थे पलासी, क्यों हुआ पलासी? ठीक है, और पलासी की लड़ाई में कौन कौन थे?
सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बाद कौन बना बंगाल का नवाब? मीर जाफर। उसके बाद फिर से मीर जाफर। अच्छा मुझे बताओ कि नवाब के खिलाफ कौन लोग थे, कौन लोग थे जो नवाब से कंस्पिरेसी कर रहे थे? घसीटी बेगम। और कौन लोग हैं? अच्छा आप बोलो बच्चे कि ये मुर्शिद क्वाली खान कौन था, आप बोलिए, आप लोग फ्रंट बेंच। मुर्शिद क्वाली खान कौन था? मुर्शिद स्ट्रॉन्ग रूलर था बंगाल का। अच्छा ट्रीटी ऑफ अली नगर कब हुआ है? 1987। अच्छा ट्रीटी ऑफ अली नगर के बाद क्या सब पॉइंट है? और सरफराज खान को किसने मारा? मुर्शिद क्वाली खां और अलवर्दी खां में क्या था बताओ थोड़ा। मुर्शिद क्वाली खां के बाद जो अलवर्दी खां है उस बीच में कौन कौन रूलर थे? शुजाउद्दौला के शुजाउद्दीन खान। अच्छा और पलासी की लड़ाई के बाद ब्रिटिशर को क्या मिला? ट्रेडिंग राइट। और बक्सर की लड़ाई के बाद? अच्छा बंगाल बिहार उड़ीसा के दीवाने। ठीक है तो हम लोग कल इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना? आप लोग इसको एक बार रिवाइज करके रखिएगा। राइट, कोई और सवाल? थैंक यू।